एमके न्यूज की इस वक्त की बड़ी खबर, जहां महासमुंद के सरायपाली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 3,80,00,000 के नकली नोट बरामद हुए हैं और एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, एक आरोपी फरार है और एक की तलाश जारी है। तो वहीं सरायपाली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्यवाही में 3,80,00,000 नकली नोट बरामद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 3,80,00,000 के नकली नोट बरामद किए गए हैं और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर। सरायपाली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्यवाही, सरायपाली में 3,80,00,000 के नकली नोट बरामद किए गए हैं। नकली नोट सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, एक अन्य आरोपी फरार है और एक की तलाश जारी। सरायपाली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्यवाही, 3,80,00,000 के नकली नोट बरामद। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां सरायपाली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्यवाही में 3,80,00,000 के नकली नोट बरामद किए गए हैं और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, एक आरोपी फरार है जिसकी तलाश जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर। जी संदीप जी, आप सुन पा रहे हैं जी? क्या कुछ मामला है, क्या कुछ अपडेट मिली है आपको, बताएं जी। मैं बताना चाहूंगा कि सरायपाली जो है सीमावर्ती उड़ीसा राज्य से जुड़ा हुआ शहर है और जहां लगातार नशीले पदार्थों की तस्करी होती थी, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जहाँ पुलिस जो है लगातार चेक पॉइंट लगातार जांच कर रही थी और मुखबिर लगाए हुए थे। और मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि एक पिकअप वाहन जो रायपुर की ओर से सरायपाली की ओर जा रहा है और संभवतः उसमें भारी मात्रा में नकली नोट है। इसके बाद क्या आरोपी इससे पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं? संदीप जी, तो हमारे संवाददाता हमसे जुड़े थे, जिनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे थे आपको, महासमुंद के सरायपाली से जहां 3,80,00,000 के नकली नोट बरामद हुए और एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, एक आरोपी फरार है और उसकी तलाश जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 3,80,00,000 के नकली नोटों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, इस वक्त की बड़ी खबर।